गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होंगे। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह है, आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चीना, तू भी हार्दिक शुभकामनाएं कर दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। और आज वैसे तो इंडिपेंडेंस डे में वैसे ज्यादा मिलती है, लेकिन परसों तरसों से इतनी बेकार न्यूज मिल रही है वो डॉक्टर मतलब जो हुआ है। मैं यही चाहती हूँ गाइस, जितने ज्यादा है सबको पता है, सब शेयर करो और जितना हो सके इस न्यूज को फैलाओ, ताकि उस लड़की बेचारी को इंसाफ मिल पाए, है ना? पापा कितना गलत हुआ है ना उसके साथ, मतलब सेम निर्भया कांड हुआ है। पापा निर्भया को, निर्भया तो छोड़ ही दो, वो उसकी एक अलग आइडेंटिटी है उस लड़की की, है ना? वो अलग थी लड़की, ये अलग है। हम लोग उस चीज से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, पर इस चीज को लोग दबाया रहे हैं। पता नहीं कौन लोग उनसे जुड़े हुए हैं, कौन नहीं जुड़े हुए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज दबी जा रही है। एक तुम बंदे को ले आया, वो बोल दिया उसका ब्लूटूथ मिल गया और मतलब उसको पकड़वा दिया, वो कह रहा है मुझे फांसी भी लगा दो, कुछ समझ नहीं आ रहा। और लेकिन वो बहुत चीजें, मतलब अब तो बहुत चीजें रिपोर्ट्स में भी सामने आई है। वो बस यही कहूंगी, इस लड़की को इंसाफ दिलाओ और जितना हो सके इतना इस बात को शेयर करो, ताकि जो कल्पिट जो घूम रहे, क्योंकि वो तो मस्त घूम रहे अपना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो बेचारी डॉक्टर 36 घंटे की शिफ्ट में थी वो, सोचो हमारे लिए वो बेचारे कितना करते हैं। हम भी डॉक्टर्स, आज हम कितना बीमार होते हैं, उनकी वजह से बचते हैं और उन्हीं के साथ ये चीजें हो रही हैं। तो ये आ रहा है, ये क्या कहते हैं, हम यहाँ पे सीडी भी लेके आते हैं, हमारी वीडियोस भी है, बागा पाउडर का। मेरे पास सीडी पड़ी है, चलाए वो सीडी कभी? हाँ चला, हम लेके आए थे सीडी। हाँ मेरे पास सीडी, अरे इस चीज की नहीं, हमारी सीडी भी है जो पापा ने फोटोज वीडियो बनाई थी। हम सीडी नहीं बनवा लेते थे कई बार उसकी, मेरे पास वो सीडी पड़ी है, पापा कैमरे से बनाते थे हम। जब बच्चे छोटे थे ना, गोलू को भी याद होगा, गोलू 15 अगस्त को वैसे बागा बॉर्डर में ये कभी देखती होगी तो याद करेगी। अब मैं तीनों बच्चों को लेके गई थी, तीनों बच्चों में से बच्चे सब, गोलू भी अपनी जगह बैठी हुई थी, कन्नू भी अपनी जगह बैठी, मैं हाँ मैं खोल, चीना बीच में से, रश बहुत होता, बहुत रश होता है। अब कितना हम समेटते, हमारे साथ शायद कंचन भी थी। हाँ कंचन भी थी, ये तेरे साथ बैठी थी जब बोला था पानी के लिए, पानी ले आऊं। हाँ वो भाई पानी वगैरह बेचते हैं करते हैं, पता नहीं क्या था इसके। अरे तुमने पानी ले लिए, उसके बाद भैया ने पैसे पकड़ा दी, मैं चिप्स लेने उधर चली गई। हाँ तो ये पता ही नहीं चला गाइस, ये कहाँ चली गई, कहाँ नहीं गई, चीना घूम गई थी वहां पर। फिर मेरी इतनी सारी अनाउंसमेंट हुई, स्वाति बसरा, चीना, ये वो, मैं छोटी सी लड़की है, इतने साल की है, इसका ऐसा रंग है, ऐसे ये कपड़े पहने ये, और मैं मस्त घूम रही हूँ। मेरे को 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ, किसी ने मुझे बोला क्या आपके अनाउंसमेंट हो रही है, मैंने वही कपड़े पहने हुए थे ना, ग्रीन, मेरे पता नहीं कुछ ग्रीन टॉप था, ब्लू जीन्स ऐसे कुछ करके था। फिर मैं गई, फिर मुझे वो वहां लेके गए, फिर वहां पे ये दोनों खड़े हुए थे परेशान। तो हमारा बागा बॉर्डर पे जो हम सब देखने गए थे, आधा देखा था, आधे तो वैसे ही हमारा रह गया। पता पापा लौत कितनी ऊपर ले गए थे ना, पूरे सर तक लगती, सर तक। और वो उस साइड जो पाकिस्तान के थे, वो भी सेम यही कर रहे थे। वो भी सेम, वो भी चढ़ा, वो भी मतलब की लाभ दिखाते हैं और ये भी लोग भी लाभ दिखाते। और वो पता नहीं, हम बोलते हैं हिंदुस्तान, वो अपना बोल रहे होते हैं ना, हम बिल्कुल साथ साथ हिंद जाए, हिंद जाए, और सारे वहाँ गाने चल रहे होते हैं देशभक्त। हाँ हमने डांस नहीं किया था यार, कंचन तूने, गोलू ने, हम तीनों वहाँ पे ऐसे नाच रहे थे खड़े, पापा देख रहे थे कि जाना मत, कहीं आना मत, शरीर के रोंगटे खड़े हैं ना। सही में मजा आता है, चलेंगे मम्मी फिर से। हाँ कभी अमृतसर जब जाते हैं ना, एक बार यहाँ जाएंगे तभी जाएंगे। मैंने कहा था हाँ, और ना इस बार ना व्हाइट कपड़े पहन के या कुछ ऑरेंज ऐसे कोई कपड़े पहन के जाएंगे, वहाँ तो देशभक्ति के गाने चल रहे होते, मजा कितना आता है, देशभक्ति का होता है, चलेंगे, मजा आता है। पर चीना तुम तो घूम गई थी ना, अब थोड़ी घूमगी। हाँ अब नहीं, अब फोन फोन अंदर अलाउड थे? अरे नहीं वैसे अलाउड थे, मुझे वीडियो वगैरह बनाना अलाउड थी, मुझे नहीं पता, हमने वीडियो बनाई, हम फोन ले गए थे, हमने वीडियो बनाते ही नहीं, तो हमने वीडियो बनाई थी, सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाई थी इनकी, फोटो क्लिक नहीं हमारी, आपने उस कैमरे में बनाई थी ना, कैमरे में बनाई थी, फोन में याद नहीं बनाया था, किसी ज्यादा फोटो पड़ी नहीं हमारे पास, वीडियो मिल जाएंगे। ये भी तैयार हो गए हैं, पता नहीं अब तैयार हो गए कहाँ जा रहे हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो? मैं ऊपर छत पे आ रहा हूँ। छत पे क्यों जा रहे हो? बच्चे को टंगे दूंगा, डाले वो देखूंगा, मेरे को तो थोड़ा उड़ाई नहीं जाएगी, आप पिन करेगा। मम्मी मुझे एक फोटो मिली बच्चों है, जब एक बार पापा को यहाँ पे बीपी डाउन हो गया, चक्कर नहीं आ गए थे, तो गिर गए थे यहाँ पे, लग गई थी पापा को, चक्कर आ गए थे, याद पापा को, बैठे बैठे फोन पैड के यूज़ कर रहे थे, सोन चाची ने पकड़ा हुआ।
थोड़ी पे लगी थी ना जब आदमी बेहोश होता है ना उसको पता नहीं चलता वही तो चक्कर सीधा सीधा नीचे बीपी शूट कर गया फोन देख रहा था उसे बैठा बैठा रोज है मैं फोन सिर्फ वो देख रहा था कोई ब्लॉग ब्लॉग देख रहा था पता नहीं क्या देख रहा कुछ देख रहा था ये देखो ये पक्की है जब हम मंसूरी गए थे गोलू है ये ना नहीं मैं नहीं तू है तो गोलू तो ना ही नहीं रही थी गोलू अच्छे रहते गोलू तो पानी से गोलू आज भी पानी से डरती है पानी से डरती थी मैं नहीं जाना मैं बहूंगी मैं बैठी तो बहुत दूर चलेगी वहां से कौन पकड़ लाएगा चुप नहीं होती कमल हेमा हमारे साथ थे हाँ तो इसने बड़ा कहा था कमल ने आजा गोलू आजा फिर इसको वो भी दिया था टायर भी टायर में भी नहीं बैठे आज तक भी पानी से डरती है ये री पापा मेरी नैनीताल वाली फोटो जो आपने खींच दिया था हाँ बारिश आ रही थी इतनी और पता है कौन से दिन किया ये गोली का जन्मदिन था उस दिन 25 जून कई यादें ऐसी होती है गाइस देखो ललता क्या बना रही है सब्जी बना रही हूँ सब्जी तो पड़ी हुई है वो कौन खाएगा देखो खाएगा दिल ही नहीं कर रहा खाने का क्यों खा रही हूँ खाना मैं आलू की सब्जी खाने का दिल है आलू सब्जी आलू नहीं होते हैं हाँ हाँ तरी वाले बना के मटर नहीं डालने सिर्फ आलू वाली आलू पूड़ी नहीं पूड़ी पागल हो गए पूड़ी कहाँ से खाऊंगी इसमें ऐसी बात है इंसान का दिल कर पड़ता है नहीं नहीं पूड़ी नहीं खानी तला हुआ नहीं खाना हाँ सिर्फ आलू की सब्जी बनाते हैं सब्जी बना रही है मगर कोशिश करती हूँ एक अद्धा फुल्का उसके साथ खाने अच्छा आज सरिता में नहीं आई ना वो नहीं तो उसको बोलती हूँ बना देती हाँ सरिता नहीं सरिता जो आदमी अपने आप को अपने आप सब्जी बनाने का दिल है अब अपने आप हाँ जैसे उसे राजमा चावल अपने आप बनाओ कुछ नहीं इच्छा कर रही अभी बुखार है मुझे अब बुखार तो है घर का चल बना ले बेटे अब सब्जी ये अपना कपड़ा रखा है क्या वो गाड़ी साफ करी थी ना हाँ। गाड़ी में पड़ा होगा दो दिन में ऐसी हालत हो जाती है तो उसको वॉश करवाना अच्छा तो बाल्टी भर रहा था क्या बताओ क्या बात है दोबारा लाना अरे वो बे थे पता मतलब उड़ाने वांजे वांजे से हाथ छिल गए पूरे यहाँ से लग गए कट वोट लग गए नहीं यहाँ लगाया कट पीछे की साइड छोटा ही लगा मतलब जलन होती है ना गर्मी लगती है अच्छा पतंग उड़ाना गर्मी लग रही होगी गर्मी पतंग उड़ा रहे पतंग के बाद हमने वो भी हवा में उड़ाया क्या बैलून होता है अच्छा वो ऊपर जाता है काफी ऊपर जाता है अच्छा आज में आग लगाते हैं गायब हो जाता है फिर वो बैलून भी उड़ाया हमने अच्छा लास्ट में सारे उड़ाते हैं सारे बैलून हमारा गोली ऊपर नहीं उड़ाता था लालटेन पहले आता था लालटेन अब लालटेन नहीं आता था दूसरा आता है इसको लालटेन बोलते हैं इसके अंदर आग लगती है लाल लाल दिखता है ऊपर जाता था लालटेन हजारों उड़ रहे थे अभी ऊपर अच्छा एक ही बंदा 100 उड़ा रहा सब क्या करते हैं सब उसके बाद रात को फिर जब खत्म हो जाता है टाइम तो यही होता है सही था बढ़िया मजा आया नाले नाले ना के मम्मी सब्जी बना रही है आलू की वो खा लियो ठीक है साथ में रोटी भी पराठा जो भी खा रहा है वाले क्या बात है चीना तू रोटी बना रही है मम्मी को चक्कर आ रहे हैं उनकी तबीयत ठीक अच्छा मैं बना सब्जी मम्मी ने बनाई थी हाँ सब्जी बना रही थी मम्मी हैं और कोकोबुची की रोटी बना दी पापा बना दी बस बन गई रोटी ठीक है तो फिर मैं तो कह रही पापा कल मम्मी को ना आइसक्रीम वगैरह खा रहे थे कल आइसक्रीम खा रहे थे अभी मम्मी लिपुर से ले रही है ना देखते हैं अगर साथ खास में फर्क पड़ा तो ठीक है नहीं तो फिर एंड करा देंगे और क्या करेंगे और क्या कोई ऑप्शन ही नहीं है ऑप्शन नहीं है क्योंकि मेरे प्रॉब्लम तो चेस्ट चेस्ट से है ना भाई तो वो एक्सेबिलिटी ठीक आया सारा कुछ सही है वो खाली चेस्ट के अंदर ना वो हुआ पड़ा है बलगम जाम या कुछ भी मतलब देखते हैं ना हाँ। दिक्कत क्या आ रही है हैं देखते हैं दिक्कत क्या आ रही है हाँ वो जैसे आईवेंट मम्मी हुई तो चलेगा ऐसे पता ही चलेगा भाई तो हाँ जब तू रोटी बना रोटी का बना खा ले मम्मी ने कन्नू बनाया थी कन्नू खा गया मैंने घी और दूध ऑर्डर करा है चल ठीक है मेरी रोटी बना के रख दी मैं ठहर के खा लूंगा ठीक है चाची मैंने सोच रही हूँ मम्मी को एडमिट करवा दूँ बालाजी कैसी बातें करने लग जाती सच में बोल रही हूँ यार वो ठीक नहीं हो पाया मैं पता क्या बोल रही हूँ एडमिट मतलब
कि वो ना सारे टेस्ट वगैरह सब कुछ देख लेंगे एक बार, मम्मी को प्रॉपर देख लेंगे, समझ रहे हो? हम कितने दिन दवाई खाई, अभी कल लेके आए ना यार, उससे पहले भी तो खा रही थी, उससे पहले बुखार नहीं जा रहा, किसी और चीज की खा रहे थे ना, तो बुखार नहीं जा रहा ना, एक दिन और देखते फिर करा दूं। कल भाभी आप कल क्या बोल रहे थे ना वैसे कि मैं अगर मुझे कल तक नहीं लगेगा तो मैं जाऊंगी, तो हाथ से ये कल का करवा दे, क्योंकि नहीं यार वो एक चाची कभी कभी आपको ही पता है इंटरनल कुछ शुरू हो जाता है, हमें पता नहीं चलता है, इन्फेक्शन मेन बताया ना डॉक्टर ने, अब वैसे इंटरनल वो तो डॉक्टर ने चेस्ट एक्सरे देखा, वो एडवांस देखेंगे सब कुछ, तो करवा दे तो कल नहीं तो परसों करा देती, वीकनेस आई जा रही है ना भाई, तो वेट गिर गया मम्मी का, हफ्ते में 4 किलो को भी गिरता है किसी का, नहीं गिरता सही बोल रही, करा देती, देख वो इंटरनल कुछ देख लेंगे ना, आज खाई है मेरी रोटी, हाँ मुझे पता है कि आलू की सब्जी बनाई है, मेरा खाने का मन नहीं करता, तो करवा दे, कल कब करवाएगी, शाम को देखते, हाँ शाम को, तो अभी दवाई खा लेंगे रात को, कल दिन में खा लेंगे, दोपहर को खा लेंगे, उसके बाद शाम को पूछूंगी कैसे हो, हाँ अगर लगेगा तो फिर करवा दे। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, मुझे लगता है इमरजेंसी में मम्मा को शायद एडमिट कराना ही पड़ेगा, मेरे को लग रहा है, मेरे को, मैं कब से बोल रही हूँ, मैं कल सेंट्रल भी बोल रही थी चाची, पर चलो कोई नहीं, अब मैं बालाजी लेके देखती हूँ, अगर दोपहर तक देखती हूँ बालाजी जाऊंगी, मम्मा को एडमिट कराती हूँ, क्योंकि बिल्कुल आराम नहीं आ रहा उनको, तो मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और आप भी विश करो मम्मा को बहुत सारा, गेट वेल सून।